सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये बात 1971 की है। ठंड बहुत पड़ रही थी और ऐसे में रॉजर और कैरोलीन पेरॉन अपनी 5 बेटियों के साथ अमेरिका के रोड आइलैंड के एक फार्म हाउस में रहने के लिए आ गए थे। पर शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस फार्म हाउस को 1736 में बनाया गया था और वो 200 एकड़ में फैला हुआ था। रॉजर ने 10 साल के लिए उस घर की लीज कराई थी, लेकिन वहां जाते ही उन्हें उस घर में अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। उनकी बेटियों के खिलौने अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। दीवारों पर लगे फोटो फ्रेम्स अपने आप नीचे गिर जाते थे। कभी कभी देर रात में कैरोलिन को जोरों से किसी के दर्द में चीखने की आवाजें आती। एक बार जब उनकी सबसे छोटी बेटी खेल रही थी तो कैरोलिन ने देखा कि एक काली परछाई सीढ़ियों के पीछे से उसकी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन एक तरफ से इस तरह से मुड़ी हुई थी जैसे उसे मरोड़कर तोड़ दिया गया हो। उस परछाई की आंखें एकदम खुली हुई थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन वो उसकी बेटी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बस देखे जा रही थी। ऐसा उस घर में बार बार होने लगा। कैरोलिन कई बार उसे अपने बच्चों के ठीक पीछे खड़ा पाती। एक रात कैरोलिन ने ये सारी बातें रॉजर को बताई। रॉजर ने उससे कहा कि वो भी इस घर के बारे में कुछ अजीब बातें नोटिस कर रहा है। कैरोलिन ने कहा कि उसे बच्चों के लिए बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों को कुछ दिन के लिए घर से दूर भेज देंगे, लेकिन तभी उनका बेड जोर जोर से हिलने लगा। अचानक से उनका बेड हवा में तैरने लगा और फिर धम से नीचे गिर गया। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। ऐसी भयानक एनर्जी उन्होंने उस घर में पहली बार महसूस की थी। घबराहट के मारे वो दोनों रात भर सो नहीं पाए। इसके बाद तो न जाने कैरोलिन पर क्या कहर ढाया कि उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। उसे हर वक्त ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे सुई चुभा रहा हो। रोज रात उसके कानों में उस आत्मा की आवाज गूंजती थी जिससे उसकी नींद खुल जाती। वो कैरोलिन से उसके बच्चे मांगती थी और उसे घर से जाने के लिए कहती थी। कभी कभी तो वो आत्मा उसे बेड से खींचती हुई बेसमेंट तक ले जाती थी और उसे बहुत चोट पहुंचाती थी। लेकिन कैरोलिन जब सुबह उठती तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था। कैरोलिन समय के साथ और अजीब होती चली गई। वो पेन से जब कुछ लिखने बैठती तो वो उस पेन को अपने ही हाथ में चुभोने लगती। जब वो खाना बना रही होती थी तो चाकू से अपना हाथ ही काट लेती थी। कैरोलिन को ऐसा लगा जैसे उसका गला किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। उसने जैसे ही आंखें खोली उसने देखा कि उसके ऊपर भयानक दिखने वाली एक औरत बैठी है जो उसका गला दबा रही है। कैरोलिन ने अपने आप को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। दिन ब दिन पेरोन फैमिली की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थीं। जिस रात कैरोलिन ने उस भयानक आत्मा को देखा था उस रात से ही कैरोलिन अपने ही बच्चों के साथ अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी। जब भी रॉजर काम से बाहर जाता वो उन्हें घंटों तक उनके कमरे में कैद करके उन्हें घूरती रहती। वो उसकी बात नहीं सुनते थे तो वो उन पर जोर जोर से चिल्लाती। इतना ही नहीं, अगर वो रॉजर के पास भी जाते तो वो उन्हें पकड़कर बहुत मारती और चोट पहुंचाती। अब पेरोन फैमिली के सभी मेंबर्स को ये यकीन हो गया था कि वो घर हॉन्टेड है। अपनी मां की
बिगड़ती हालत देख उसकी पांचों बेटियां बहुत डरी हुई थीं। एक दिन रॉजर ने देखा कि उनकी छोटी बेटी दरवाजे से लगकर रो रही है। जब वो उसके पास गया तो उसे दिखा कि कैरोलिन ने उसे उसके बालों से खींच रखा है और वो उसके बालों को खा रही है। ये देखकर रॉजर के होश उड़ गए और वो तुरंत कैरोलिन को खींचता हुआ वहां से ले गया और उसे एक चेयर से बांध दिया। वो बहुत चीखी चिल्लाई लेकिन रॉजर ने उसके हाथ नहीं खोले। कुछ देर में वो थक के बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो कैरोलिन थोड़े होश में आई। उसने रॉजर से कहा कि एक आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वो उससे उसकी बेटियां चाहती है और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उसे और रॉजर दोनों को ही मार डालेगी। उसने ये भी बताया कि वो आत्मा देखने में बहुत भयानक है। ये बोलते बोलते कैरोलिन फिर से बेहोश हो गई। ये सब सुनकर रॉजर सुन्न पड़ गया। फिर उसने कुछ सोचा और कैरोलिन को बेड पर लिटाकर घर से बाहर चला गया। रॉजर इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए बाहर निकला था। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उसे ये पता लगा कि यहां पर बैथशीबा नाम की एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था और तीन बेटियां थीं। लेकिन उसकी तीनों बेटियों की मौत हो गई थी और किसी को भी उन मौतों के पीछे की वजह कभी पता नहीं चल पाई। पुलिस ने जब छानबीन की तो उन्हें पता लगा कि उनकी मौत नहीं हुई थी बल्कि उन्हें मारा गया था। इनफैक्ट पुलिस को यह भी पता चला कि उसकी एक बेटी की मौत सर में कील घुसाने की वजह से हुई थी। इस बात से गांव वाले ये मानने लगे कि बैथशीबा एक डायन है और वो अपने बच्चों की बलि चढ़ाकर उन्हें शैतान के हवाले कर देती है। पर क्योंकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कुछ ही सालों में बैथशीबा ने एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया यह आज तक कोई भी नहीं जानता। तब से लेकर आज तक उस घर में जो भी रहा करता था उन सब के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटना जरूर हुई और कई लोगों ने बैथशीबा की उस भयानक आत्मा को भी देखा था। ये सब सुनकर रॉजर ने अपना सर पकड़ लिया लेकिन जब वो घर वापस पहुंचा उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके बेडरूम से कैरोलिन गायब है और फर्श पर काले मार्क्स पड़े हैं जैसे कैरोलिन को वहां से कोई घसीटता हुआ नीचे लेकर गया हो। तभी बेसमेंट से एक जोर की आवाज आई। वो काले मार्क्स उसके बेडरूम से होते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ ही जा रहे थे। रॉजर बहुत हिम्मत करके उस बेसमेंट में गया। बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था तो उसने अपने पॉकेट से एक मैचस्टिक निकाल कर जलाई पर वो मैचस्टिक तुरंत बुझ गई। उसने फिर से कोशिश की। इस बार जब उसने मैचस्टिक जलाई तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने बैथशीबा का भूत खड़ा था। उसे देखकर वो खौफ में आ गया और उसके हाथ से वो माचिस छूट गई। तभी उसे दिखा कि कैरोलिन एक कोने में नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी है। रॉजर ने उसे उठाया और ऊपर ले जाने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि बैथशीबा अब भी उसे देख रही है। इतना सब होने के बाद रॉजर ने मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लोरैन वॉरेन को अपने घर में बुलाया। अब तक कैरोलिन की हालत बद से बदतर हो गई थी। उसका मुंह कट चुका था और वो घर के कोने में बैठकर मकड़ियां खाती रहती थी। वॉरेंस ने घर में घुसते ही महसूस कर लिया कि वहां पर कुछ तो बहुत अजीब है।
वहां पहुंचते ही वॉरेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने उस घर का एग्जॉर्सिज्म करने का डिसीजन लिया, लेकिन उसकी वजह से हालत और बिगड़ गई। बैथशेबा की आत्मा बहुत गुस्से में आ गई और उसने कैरोलिन के अलावा अब उसकी बेटियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक रात वॉरेंस कैरोलिन को बेड से बांधकर घर का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। जैसे ही वो कैरोलिन के बेडरूम में आए, कैरोलिन बेड से गायब थी, बल्कि वो उनके ठीक पीछे खड़ी थी। कैरोलिन हवा में उड़ रही थी, उसके सारे बाल खुले पड़े थे, उसकी आंखों के आई बॉल्स गायब थे और आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उसके मुंह के जबड़े दोनों तरफ से खींचे चले जा रहे थे, मानो उसके मुंह के दो हिस्से होने वाले हों। बैथशेबा ने पूरी तरह उस पर काबू कर लिया था। पूरा घर जोरों से हिलने लगा। वॉरेंस ने कई मंत्र पढ़े और बहुत कोशिश की, लेकिन रॉजर ने कैरोलिन की बिगड़ती हालत देख उन्हें रोक दिया। कैरोलिन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। समय के साथ रॉजर के सारे पैसे इसी में खर्च हो गए। जब हालत और खराब हो गई तो रॉजर ने वॉरेंस को घर से निकाल दिया। पेरोन फैमिली को उसके बाद भी 7 साल तक जैसे तैसे उसी घर में रहना पड़ा। 7 साल बाद जब उन्होंने घर बदला, तब भी बैथशेबा ने उनका पीछा करा और कई सालों तक ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं उनकी पूरी फैमिली के साथ होती रहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।